हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के डी वर्ड्स करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है बैम्बू, बी ए एम बी ओ, बैम्बू। बैम्बू का मतलब होता है बांस। सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन है ब्रिज, बी आर आई डी जी ई। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बी आर आई डी जी ई, ब्रिज मतलब कि पुल। थर्ड वन है वाइड, डब्ल्यू आई डी ई, डब्ल्यू आई डी ई, वाइड मीन्स चौड़ा। क्या होता है? चौड़ा। फोर्थ वन डीप, डी ई ई पी। आई एम रिपीटिंग, डी ई ई पी, डीप मतलब कि गहरा। फिफ्थ वन है बेयर फुट। क्या है? बेयर फुट, बी ए आर ई एफ ओ ओ टी, बैरफुट। बैरफुट मतलब कि नंगे पांव। अब है सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन क्या है? बी आर आई सी के एस, ब्रिक्स। इसे क्या प्रोनाउन किया जाता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ब्रिक्स माने कि ईंट। सेवेंथ वन गुल्लक कार्ड, बी यू एल एल ओ सी के, गुल्लक, सी ए आर डी कार्ड। गुल्लक कार्ड का मतलब होता है बैलगाड़ी। एथ वन है अटैच, ए टी टी ए सी एच ई डी, अटैच। अटैच मतलब कि जुड़ा हुआ। नाइन्थ वन क्या है? ट्रॉली। क्या प्रोनाउन करते हैं इसको? ट्रॉली, टी आर ओ एल एल ई वाई। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इसको हिंदी में भी हम ट्रॉली ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टेंथ वन है कैमल का, सी ए एम ई एल, कैमल, सी ए आर टी का, कैमल कार्ड। कैमल कार्ड माने कि उठ गाड़ी। चैप्टर वन, गोइंग टू स्कूल, कि स्कूल पर कैसे जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि अलग अलग जगह पर बच्चे किस तरह से स्कूल पर पहुंचते हैं। जैसे कि हम स्कूल पर जाने के लिए स्कूल वैन, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा, या कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें ड्रॉप करने आते हैं, हम बाईसाइकिल लेके जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि अलग अलग एरिया में बच्चे अपने स्कूल पर कैसे पहुंचते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल, कि लेट अस मीट सम चिल्ड्रन मतलब कि चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। बैम्बू ब्रिज, बैम्बू ब्रिज मतलब क्या होता है? बांस का बना हुआ ब्रिज। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, कि हम लोग जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन देर इज नी हाइट वाटर एवरीवेयर, कभी कभार बहुत बारिश होने पर नी हाइट वाटर एवरीवेयर मतलब कि हमारे घुटनों तक पानी होता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, लेकिन घुटनों तक पानी है इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल पर जाना बंद कर देंगे या बारिश की वजह से हम स्टॉप कर देंगे। बारिश हमें स्कूल पर जाने से नहीं रोक सकती। वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विथ द अदर, वी होल्ड अवर बुक्स मतलब कि एक हाथ में हम हमारी बुक्स पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में हम पकड़ते हैं बैम्बू। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल, वी क्विकली क्रॉस के हम बहुत जल्दी से ये बैम्बू ब्रिज की और रोप की हेल्प लेकर हम जल्दी से स्कूल पर पहुंच जाते हैं। ट्राई दिस मतलब कि ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। कलेक्ट सम ब्रिक्स मतलब कि कुछ ईट लीजिए, ले देम ऑन द ग्राउंड उसको ग्राउंड पर रखे, एक स्ट्राइट लाइन में इन अ लाइन
एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है. ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उस पर चलने की कोशिश कीजिए. वॉज इट ईजी, क्या उस पर चलना ईजी था. सेकेंड, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टूगेदर. मेक अ स्मॉल ब्रिज मतलब एक छोटा सा ब्रिज बनाइए. टाइंग मतलब कि टाई करके 4 to 5 बैम्बू स्टिक लीजिए और उसको टाई करके एक छोटा सा ब्रिज बनाइए. आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, अपने टीचर को बोलिए कि वो आपकी मदद करे. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब ये ब्रिज पर चलने की कोशिश करिए. हाउ डिड यू फील, मतलब कि आपको ये ब्रिज पर चलकर कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस बताइए. डिड यू फॉल डाउन, क्या आप कभी गिरे ब्रिज में से चल रहे थे तो. इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, आप थोड़ी बार इस तरह, फ्यू टाइम्स मतलब कि 2-4 बार यहाँ पर चढ़कर ऐसे ट्राई करेंगे. यू विल स्टार्ट फाइंडिंग ईजी, तब आपको क्या लगेगा, आपको ये ईजी लगने लगेगा. डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers, why? Do you think मतलब कि आपको लगता है कि it would be easy, क्या वो easy होगा चलना bridge पर barefoot बिना चप्पल के, or with shoes या slippers के, क्या लगता है आपको क्या easy होगा. अगर easy होगा या हार्ड होगा तो इजी क्यों होगा, और टफ है तो टफ क्यों होगा. स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है वो लद्दाख का है. कौन सी प्लेस का है, लद्दाख का. यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया गया है कि लद्दाख में बच्चे स्कूल पर किस तरह से जाते हैं और किस में जाते हैं. तो यहाँ पर लिखा है द ट्रोली, लद्दाख में बच्चे ट्रोली में जाते हैं. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, हर रोज हम स्कूल पर जाने के लिए हमें रिवर मतलब कि नदी क्रॉस करनी पड़ती है. द रिवर इज वाइड एंड डीप, जो ये रिवर है वो बहुत वाइड मतलब कि चौड़ी, एंड डीप मतलब बहुत गहरी है. देर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, कि उस पर एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है. अक्रॉस द रिवर ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड रिवर की तरफ है. इट इज टाइट टाइटली, जो बहुत टाइटली बांधी हुई है. विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज होती है या बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े पत्थर होते हैं उससे. देर इज अ ट्रॉली, वहाँ पर एक ट्रॉली होती है. एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, ट्रॉली क्या होती है. एन ओपन बॉक्स, एक ओपन बॉक्स होता है जो किससे बना हुआ है, वुड का, जैसे कि यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं. अटैच्ड विथ रोप, जो किससे जुड़ा हुआ है, रोप से अटैच भी जुड़ा हुआ. 4 or 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली, 4 से 5 बच्चे हम उस ट्रॉली में एक साथ बैठ जाते हैं. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, जो ये पुली होता है वो मदद करता है हमें रोप से ट्रॉली चलाने में. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, कि बहुत ही कम टाइम में हम नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं. लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2, कि ऑब्जर्व करिए पिक्चर 1 and 2. इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल, कि पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वेल में से बकेट को पुल कर रहे हैं मतलब कि कुएं में से बकेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, कि क्या आप बता सकते हैं कि दोनों पिक्चर में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है. विच वुड बी ईजियर, कौन सा ईजी होगा, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, पुली से निकालना ईजी होगा या पुली इस्तेमाल किए बिना चीज़ निकालना आसान होगा. लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखें. वेयर ऑल डू यू सी
द यूज ऑफ पुली, और फाइंड आउट कीजिए कि आप अपने आसपास कहाँ पर पुली इस्तेमाल होता है, उस जगह को देखिए, लिस्ट देम और उसका लिस्ट बनाइए। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स, पुली की हेल्प लीजिए और ट्राई करिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें उठा सकते हैं, एज शोन इन द पिक्चर, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, हमें कई बार हमें वाटर बॉडीज क्रॉस करके दूसरे पार जाने होता है। सो वी यूज ब्रिजेस, तो हम क्या यूज करते हैं, ब्रिजेस यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड, ये सीमेंट ब्रिक्स और आयरन रोड से बनती है। द ब्रिज मे ऑल्सो हैव स्टेप, ब्रिज में स्टेप भी हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है वो किसका है, ये ब्रिज का है, और ये ब्रिज किससे बना हुआ है, सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड। तो चलिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको चलिए हम रीड करते हैं और आपको उसके आंसर अपने ओपिनियन पर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, ये जो ब्रिज है और ये बैम्बू ब्रिज हमने देखा था, ये सीमेंट वाला ब्रिज और बैम्बू ब्रिज में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, आपको क्या लगता है कितने लोग, हाउ मैनी पीपल मतलब कि कितने लोग एक बार में ये ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, क्या आगे आपने देखा कि बच्चे किस तरह से अलग अलग टाइप का ब्रिजेस इस्तेमाल करते हैं टू क्रॉस द रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, ये नदी कैसे क्रॉस करते हैं जो अनइवन एरिया है उससे बाहर निकल के किस तरह से स्कूल पर पहुंचते हैं। इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको कोई चांस मिलता है, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, आप कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, वाई और क्यों। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आपको अपने स्कूल पर पहुंचने के लिए कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, इफ़ यस, अगर आपका आंसर हाँ है, वॉट इज द ब्रिज लाइक, वो कौन सा ब्रिज है, ड्रॉ इस पिक्चर और उसका पिक्चर ड्रॉ करके बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट काइंड्स ऑफ ब्रिज वेर देर वेन दे वेर यंग, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनको पूछिए कि जब वो लोग यंग थे, जब वो लोग छोटे थे तो किस तरह का ब्रिजेस था और किस तरह से वो ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। वल्लम, इसको प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट्स, वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला मतलब कि केरला में कुछ पास, केरला में कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये वल्लम यूज किया जाता है। वल्लम क्या होता है, तो चलिए, स्मॉल वुडन बोट की, एक छोटी सी वुडन की बोट टू रीच स्कूल, केरला में कुछ एरिया पर जहाँ पर बच्चे बोट में स्कूल पर जाते हैं उस बोट को कहा जाता है वल्लम। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि इस तरह की बोट होती है, उसमें बच्चे स्कूल पर जाते हैं और उसको क्या कहा जाता है, वल्लम। कैमल कार्ट राजस्थान, वी लिव इन द डेजर्ट मतलब कि हम डेजर्ट में रहते हैं। देर इज सैंड ऑल अराउंड कि हमारे आसपास हर एक जगह पर सैंड है, सैंड मतलब रेत। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे पूरे दिन वो बहुत गर्म होती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, रेत बहुत गर्म होती है इसीलिए हम कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल पर जाने के लिए। हैव यू एवर सैट इन अ
कैमल कैट और हॉर्स कैरिएज, क्या आप कभी कैमल कैट में या हॉर्स कैरिएज में बैठे हैं? हॉर्स कैरिएज को दूसरा क्या कहा जाता है? टोंगा। और बैठे हैं तो कौन सी प्लेस पर बैठे हैं? डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ, क्या आप अपने आप उसके ऊपर चढ़ गए थे? और डिड समवन हेल्प यू, या किसी ने आपको मदद की? यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार, आपको ये कार का राइड करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो, क्या आपका जो ये एक्सपीरियंस था कार में बैठने का वो आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिए। बुल्लक कार्ड, बुल्लक कार्ड का मतलब होता है बैलगाड़ी। वी राइड इन अवर बुल्लक कार्ड, कि हम राइड करते हैं हमारे बुल्लक कार्ड में। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, कि स्लोली स्लोली ये बुल्लक कार्ड जो ग्रीन कलर फील्ड होते हैं, मतलब कि हरा भरा जो खेत होता है वहाँ से गुजरता है। इफ इट इज टू सनी और रेनी, अगर बहुत टू सनी मतलब कि अगर बहुत धूप है या बहुत बारिश हो रही है, We use our umbrellas, तो हम हमारे umbrellas मतलब कि हम हमारे umbrella का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, ये गांव का पिक्चर है। जैसे कि विलेज इन द प्लेस, जैसा कि प्लेन एरिया है वहाँ पर बुल्लक कार्ट इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा पिक्चर है, ये विलेज का पिक्चर हमें दिखाया गया है। बाईसाइकल राइड, वी राइड अवर बाईसाइकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल, हम हमारी साइकिल का यूज़ करते हैं स्कूल पर जाने के लिए। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल, पहले यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल पर नहीं जाती थी। बिकॉज इट वॉज टू फार, स्कूल यहाँ से बहुत दूर होती थी। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। बट नाउ मतलब अब यहाँ से ग्रुप है 7-8 लड़कियों का, गर्ल्स का ग्रुप है जो साइकिल चला के डिफिकल्ट रास्ता क्रॉस करके स्कूल पर पहुँचती है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं आप आंसर आपको देना है। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आप बाईसाइकिल चला सकते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, हु थॉट यू टू राइड, आपको बाईसाइकिल चलाना किसने सिखाया? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल, आप स्कूल पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल के बच्चे हैं वो बाईसाइकिल लेकर आते हैं, तो कितने बच्चे लेकर आते हैं वो आपको देखना है। जुगाड़, वॉट अ वहीकल, लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, कि हमारा स्पेशल ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ देखिए। इट्स साउंड फुट फुट फुट, इसका आवाज़ कैसा आता है? फुट फुट फुट। व्हेन इट रन्स, अब ये चलता है तो ये फुट 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 जिस तरह से आवाज़ निकलता है। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, क्या ये कुछ स्पेशल नहीं है? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, इसका जो फ्रंट मतलब कि आगे वाला हिस्सा है वो एक मोटरसाइकिल के जैसा दिखता है। बट द कैरेज एट द बैक, लेकिन जो कैरेज है बैक का, इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, वो वुड से बनाया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है, आपने ऐसा व्हीकल देखा है? यस, हमने ऐसा व्हीकल देखा है। कौन सी प्लेस पर है ये? गुजरात में। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा हमें पिक्चर दिखाया गया है, ये पिक्चर है जंगल का, और बताया गया है कि जंगल में से गुजर के किस तरह से बच्चे स्कूल पर पहुंचते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, कि चिल्ड्रन किस तरह से जंगल क्रॉस करते हैं? वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल, हमें थिक फॉरेस्ट से गुजर कर हम स्कूल पर पहुंचते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, कुछ जगह पर इतना थिक फॉरेस्ट होता है कि वहां से सनलाइट भी पास नहीं होती दिखाई देती है, इसलिए उस तरफ कैसा बहुत ब्लैक ब्लैक कलर का अंधेरा जैसा दिखाई देता है क्योंकि फॉरेस्ट इतना थिक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, यहाँ पर बहुत शांति भी होती है।
यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, आप सिर्फ यहाँ पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हैं, एंड अदर क्रिएचर्स, बर्ड्स के अलावा दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं एनिमल्स जो फॉरेस्ट के, उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है. मूविंग ऑन द स्नो, की स्नो पर चलना. सी हाउ वी रीच स्कूल, की देखिए हम किस तरह के स्कूल पर पहुँचते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम स्कूल पर पहुँचने के लिए माइल्स ऑफ स्नो का डिस्टेंस कवर करते हैं. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के केयरफुली मतलब ध्यान से चलते हैं. इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट है, अवर फिट सिंक इन टू इट, कि हमारे फिट फिट मतलब कि पैर सिंक हो जाते हैं उसके अंदर. वेन द स्नो इज फ्रोजन, जब स्नो फ्रोज हो जाता है, फ्रोजन हो जाते हैं, वी मे स्लिप एंड फॉल, तब उसमें हम स्लिप हो जाते हैं और हम गिर जाते हैं. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या कभी आपने इतना स्नो देखा है. वेर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स, कहीं फिल्म में देखा है या कहीं और जगह पर देखा है. बच्चों देखो यहाँ पर ये दिखाई गई हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से स्नो में से जाकर अपने स्कूल पर पहुँचते हैं. ये पिक्चर है नॉर्थन हिल्स का, कौन सी जगह पर का है, नॉर्थन हिल्स का. रॉकी पाथ्स, वी लिव इन द माउंटेन्स, कि हम माउंटेन्स में रहते हैं. द पाथ्स आर रॉकी एंड इवन अन ईवन, यहाँ पर जो पाथ्स मतलब कि रास्ता है वो कैसा है, रॉकी मतलब पत्थर वाला और अन ईवन है. द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, ऐसे चिल्ड्रन जो ऐसे बच्चे हैं जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनको यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल भरा हो सकता है. बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम लोग यहाँ पर इजिली रेस अप कर सकते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए. तो बच्चों ये जो पिक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन से स्टेट का है, उत्तराखंड का है. कौन सा है, उत्तराखंड का. पिक्चर में हमें दिखाया गया है किस तरह से रॉकी वाला एरियाज है और बच्चे किस तरह से लाइन में जा रहे हैं.